हूँ या नहीं रहा, मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है जी। सुपरी मेरी कर्म भूमि है, कोलरस का मैं रहने वाला हूँ, जन्म भूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से कोलरस से विधायक होकर जनसेवक हूँ। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है जी, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हों या उनके सिपा सालार हों, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की थीं, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा कि कोलरस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, नल जल योजनाएं हो, कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, बस स्टैंड हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हो, सड़कें हों, अमृत सरोवर तालाब हो, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो दो सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान DFO ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया, जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया। 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फ़ोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहाँ लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहां तक कि एक नहीं, दो तीन बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व तो भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व तो कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1.5 महीने पहले सुपरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में, शायद मुझसे ये भूल हुई कि KP यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोकें। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला। अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपये का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत सी कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की, चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ, प्रमुख कारण यही है जी। दूसरा कारण है, जैसे मैंने
विधानसभा में शिवपुरी जिले के दो वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूँ जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया, और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हज़ार रुपये एक बार जाने पर मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपये आप अनुदान देते हो और 30 रुपये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। सबसे जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करेंगे। अगर आपको शिवपुरी से टिकट मिला, शिवपुरी से अगर कांग्रेस टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे शिवपुरी से? आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है, मैं राजनीति में नहीं था। जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था, आप सब ने प्रेम। आपको विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम पड़ी कि पार्टी खराब है? चाहता हूं पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार। कांग्रेस अगर आपको मौका देती है ये सिंधिया के जो मंत्री है उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की, और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूँ ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारा जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूँ। 2-4, 6-8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा, और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। क्या कारण है कि अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे आज से, ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।